सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग पे। आप बोलेगा सुनीता अचानक से उछल के कहाँ पहुँच गई है। तो दोस्तों, आने का तो था नहीं, बट आकर सभी को सरप्राइज दे दिए हैं। हाँ, मैं पहुँची हूँ मायके, वो भी रात के 7 बजे, क्योंकि जो मौसी घर में है ना, छोटू सा बाबू का है बर्थडे, उसका ना ही मुझठी हुआ है ना ही कुछ हुआ। तो चलिए, आप ब्लॉग में बने रहिए, सारा चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं। बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बुलका कुछ हाँ। तो ये भैया का बेटा है, तो इसका है बर्थडे, साल भर का हो गया है। तो सब यहाँ पे देखिए उसको गिफ्ट दे रहे हैं। इसका छठियारी भी नहीं हुआ था, एक्सिया भी नहीं, मुजुट्ठी भी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ अड़चने आ ही रही थी। तो फाइनली 1 साल का होने के बाद अभी भैया छोटी मोटी पार्टी दिए हैं, तो सभी यहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे भाभी चांदी का चूड़ी दी है, सब मतलब सिल्वर दे रहे थे, टेडी दे रहे थे, जिसका जो हो रहा था। और मैं भी कुछ यहाँ पर लाई हुई हूँ बाबू के लिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मैंने क्या लिया हुआ है। तो नहीं आएंगे बोले तो सब बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, तो अचानक से हम टपक गए हैं रात में। और यहाँ पे हमारी सृष्टि बिटिया है, देखिए वेदिका, और भाभी है मजली वाली। तो मैं भी यहाँ बाबू के लिए चूड़ी ही ली थी। तो भाभी जो चूड़ी ली थी ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसको भाभी को दे दी है रखने के लिए, मतलब कृष्णा की मम्मी को। और यहाँ पे जो मैं चूड़ी लाई थी वो एकदम परफेक्ट साइज़ का हुआ, तो मैं इसे पहना देते। और यहाँ पे बाबू ना रह ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा भीड़ देख रहा था, और थोड़ा सा गर्मी गर्मी भी लग रहा था ना, तो रह नहीं रहा था बच्चा ठो, तो उसे एकांत चाहिए। और आज दिन भर ये सोया भी नहीं, काफ़ी मस्ती भी किया था, तो गाना बज रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ढेर सारा आप लोग इसे प्यार दीजिए। और यहाँ पे आविशी और लक्ष्य की तरफ से छोटू सा टेडी, और साथ में बाबू के लिए ड्रेस लाई हुई हूँ मैं। तो भाभी को मैं देती हूँ कि बाद में पहना देना, अभी तो फिलहाल ये सोने का फेरा में है, दिन भर सोया नहीं है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये परेशान कर रहा था अपने मम्मी को, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थे ना, धीरे धीरे सारे लोग आ ही रहे थे। और मैंने न्यू वाला सूट कुर्ता सेट पहना हुआ है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, मीशो से मंगाया था ना, वही वाला। तो यहाँ पे छत में सारा डेकोरेशन का प्रबंध किया गया है, देखिए नीचे में जगह है नहीं, तो सारे लोग बैठे हुए थे। तो बारिश का वजह से ना, कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो ऊपर में भी यहाँ पे पूरा चद्दर वगैरह डाल दिया गया, तो हवा किधरों से नहीं आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी हो रखी थी, तो पूरा एक अगबगी टाइप से लग रहा था। तो कुछ इस तरीके का हल्का फुल्का सा डेकोरेशन है, पंखा लगा हुआ है देखिए, लेकिन बट फिर भी हवा इधर आने का रास्ता ही नहीं। और मंकू बाबू बदमाशी कर रहा है, और यहाँ पे आईसी भी सब रेडी, ये लोग ना शाम से ही रेडी होके आ गए, मतलब 7:30 बजे। यहाँ पे वेदिका को भाभी गोदी लिए हैं, वेदिका भी इंजॉय कर रही है पार्टी। तो यहाँ केक आ गया है देखिए, कृष्णा बाबू का, और ये बुआ है उसकी, मतलब मेरी दीदी है। ब्यूटीफुल सा केक है, थोड़ा सा बस केक साइड से निकल गया है, और 1 साल का हो गया। तो सब यहाँ अपना अपना हथियार लिए हुए हैं, देखिए कोई बंदूक कोई कुछ। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश है, सबकी जो नज़र है ना केक पे टिकी हुई कि कब हमें केक मिलेगा। मंकू को देखिए साइड में रेपर में जो था ना, उसको वो चाट रहा है। बच्चे हैं, क्या करें, बच्चे मन के सच्चे, मना कर रही हूँ ना, फिर भी वो नहीं सुन रहा है, तो केक को बस चाटने में लगा हुआ। हम बोल रहे बाबू रुक जाना बेटा, केक कटिंग होगा तो मिलेगा, बट वो सुन नहीं रहा बच्चा ठो। तो दोस्तों, उसको प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बच्चे हैं, ऐसा शरारत तो करते रहते हैं ना। तो यहाँ पे कृष्णा की मम्मी भी आ गई है, ये मेरे भैया भाभी है, मतलब मौसी के बेटा। क्यूट सा बाबू को ढेर सारा आप लोग विशेष दीजिए। बाबू मतलब देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा, इतना भीड़ इतना भीड़, और सब कैमरा ले लेके मोबाइल ले लेके खड़े हैं ना, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे मौसी है मेरी, और यहाँ पे देखिए जीजा, मेरे बड़े वाले जीजा एक चेन देते हैं बाबू को गिफ्ट पे, और साथ में ड्रेस। तो उसका तो बर्थडे का दिन ना पूरा, मतलब सिल्वर का चेन चूड़ी से ही पूरा गला हाथ भर गया। तो भाभी को मैं बोली खोल कर भी रख दीजिए, बच्चा को ऐसे गर्मी लग रहा है और भारी भारी सा फील होता होगा। तो आधा भाभी खोल के रख दिए हैं, और 2-3 पहना हुआ है यहाँ पर, तो इसको नींद लग रही है बड़ी ज़ोर से, और सब इसलिए हड़बड़ाए हुए हैं कि जल्दी से केक कट, मतलब केक काट दिया जाए, नहीं तो बच्चा फिर सो जाएगा, बताइए। हाँ।
उसे से गोली मारेगा। बेटा तो खींच नहीं रहा है। मैं बेटा बदमाशी नहीं करो। हमको लगा था उड़ेगा मगर ये तो गोल गोल घूम रहा है। अरे कल छोटी क्या बोली ऐसी ले तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा मस्ती हो रहा है और हम नहीं आएंगे बोले तो सब एकदम उदास हो गए। तर एन वक्त पे हम आ गए तो सब खुश हो गए कि चलो कोई तो मतलब जो नहीं आने का था आ गए। तो तबीयत की वजह से मैं नहीं आऊँगी बोल रही थी। तो चलिए जो होता अच्छे के लिए होता है और सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि बाबू को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारे विशेष दीजिए कृष्णा बाबू को। और अभी यहाँ पे बर्थडे हो गया है तो एक दो फोटो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहीं पे खाने का व्यवस्था भी किया गया है। तो कुछ हम यहाँ पे फोटो क्लिक कर लेते हैं बाबू के साथ। क्या कर रही है सब लेके? असमत हो, असमत हो। तो मैं यहाँ लक्ष्य को बोल रही थी ना फोटो क्लिक करना, बट वो वीडियो चालू कर दिया था और मुझे लगा कि फोटो हो रहा है। तो भैया बोले कि मेरा मतलब जैसे बाबू का हो रहा था छठियारी वगैरह वो सब तो कुछ नहीं हुआ। तो बोले बर्थडे में आना ही, अब मैं नहीं आती ना बहुत ज़्यादा किसी को भी देखे दोस्तों ख़राब लगता और भैया का खुशी में बहना शामिल ना हो ये तो हो नहीं सकता ना। तो बस आ गए हम, शाम में पहुँचे, पहुँचते 7 हमें बज गए थे। तो तुरंत फिर मैं चेंज वगैरह करके उसके बाद फिर हम इधर बर्थडे में शामिल होने के लिए आ गए। भाभी और दोनों भाभी भी आए हैं। तो एकदम बगल में ही है मौसी का घर जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था छत से। और यहाँ पे उसके बुआ जो है गाड़ी देती है ना, तो बाबू खाली गाड़ी में बैठने ही खोज रहा था। यहाँ पे म्यूजिक लगा हुआ था गाड़ी पे तो बाबा उसको बजा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो उसको और टेबल के ऊपर में गाड़ी रखा हुआ था और ठेलने में लगा हुआ तो गिर ना जाए कहीं, इसलिए हम ना गाड़ी को पकड़े हुए थे। तो काफ़ी वो चिढ़ रहा था कि गाड़ी मेरा आगे बढ़ नहीं रहा था। तो बच्चों की यही छोटी छोटी जो खुशी होती ना देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। और पीछे में तनिषा और आयुषी ना बैलून फोड़ने में पूरा लगे हुए हैं कि बस बैलून फोड़ना है, छुप छुप के बैलून को फोड़े जा रहे हैं। देखना टॉपी निकाल दिया बाबू। अरे गाड़ी नहीं बढ़ रहा है। चला चला गाड़ी तो चला 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 हाँ चला चलो हो गया चलो। अरे नहीं कहूँगी को। अरे बाबू देख कुछ पैडल कर रहे चलो हो गया चलो चलो गर्मी लग रहा बहुत। उई 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 देखो ये
तुम दोनों क्या कर रहे हो? बैलून फोड़ रहे हैं। अभी थोड़ा रहने दो, कल ले जाना सब। ठीक, थोड़ा नहीं फोड़ा है, इतना नहीं करना नहीं। चलो चलो चलो, हो गया, चलो घूम जाएंगे। हो गया, चढ़ाई छोटा छोटा मत ले जाना। आ जाओ, क्या चीज केक तुमको मिल गया? वाह, फर्स्ट हो गया। चलो तो सब खा लिए थे यहाँ पे, और अभी मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मतलब भाभी यहाँ पे केक दे रही थी, तो फिर हम बोले कि चलिए हम भी अभी खा लेते हैं। और हमारी विधिका बिटिया यहाँ पे खेल रही है, मस्ती कर रही है मस्त एकदम से, तो हम अभी खाने यहाँ पे बैठ जाते हैं दोस्तों। तो ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर यहाँ पे वो मौसी घर में मतलब पार्टी था छोटा सा, बाबू का कब से एक साल का हो गया था, उसका मतलब छठियारी मुझुठी ऐसा कुछ नहीं माना गया था, तो अभी एक साल का वो हो गया फाइनली, तो उसका बर्थडे फिर सेलिब्रेट हुआ। तो नहीं आने का था, बट अचानक देखिए फिर हम लोग आ गए और बर्थडे में शामिल, क्योंकि इतना बड़ा उसके लिए खुशी का दिन है भाई का, और उसमें सब बहन शामिल ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम इसी लाए, फिर कल होकर हम रिटर्न चल जाएंगे, वही बहन मायके में वापस से छोटी सी गुड़िया के साथ में मुलाकात हो गया। अभी तो सोई है, खेलते रहती है मस्त, और यहाँ पर सब चेंज उंज करके देखिए पलटी हो गए हैं। हाँ, तो गर्मी बहुत ज़्यादा एकदम पड़ रहा है, और सब तरफ से छेका हुआ इतना बारिश का वजह से कि कहीं बारिश ना आ जाए। अब छोटा सा बाबू फिर सो गया, तो वही छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट था। तो आप लोगों से शेयर किए, ढेर सारा विशेष दीजिएगा, बाबू को बर्थडे विश कीजिएगा, कृष्णा नाम है उसका, सभी को हैप्पी बर्थडे कृष्णा लिखिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आने का ब्लॉग हम नहीं बना। तो सारे लोग वहाँ आए, तो वहाँ पर देखिए मंकू बाबू है, हाय बोलो सब एकदम से, और बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी लग रहा था, तुरंत हम खाएँ वहाँ से और भागे एकदम से सब। तो दोस्तों आने का ब्लॉग नहीं कर पाए, आना नहीं था अचानक, फिर हस्बैंड जी हमको शाम मतलब आता तो 7 बज गया, सब पहुंचा दिया और फिर वो रिटर्न चले गए। आज आने का था बट वो काम में फंस गए, वो आए नहीं, तो हम लोग भी सब बर्थडे एंजॉय किए। तो छोटे से बाबू एक साल का हो गया पूरा एकदम से, सब लोग अच्छे से आप लोग विशेष दीजिएगा। सबसे पहले बच्चा हाँ, अभी और मंकू का बर्थडे आएगा, और इन्हीं वाली देखिए कुर्ती पहनी हूँ मैं, गर्मी लग रहा था ज़्यादा, साड़ी पहनने का एकदम इच्छा नहीं कर रहा था। तो बच्चे अभी सोने के लिए आ कर रहे हैं, चलिए हॉल में बिछा देते हैं सबको, और उसके बाद में सोते हैं थोड़ा।